कुछ नहीं, हम कहते नहीं एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, यहाँ उल्टा हो गया। जिस समय में वो लिख रहा था उस समय लोगों को सुनने की आदत थी, एक-एक शब्द को एंजॉय करते थे लोग। मैंने देखा जब नॉर्वे पहली बार गया तो फेस्टिवल में गया तो मैंने सोचा कि इट इज जस्ट लाइक अ फेस्टिवल फॉर देम। हीला जी, केके जी, अजात शत्रु इज द लेटेस्ट इन योर इप्सन सीरीज एंड यू हैव बीन डूइंग दिस इप्सन फेस्टिवल फॉर 10 इयर्स नाउ and you have 8 editions of the festival. So, on what basis are you choosing the place, first of all, and how did you arrive at Enemy of the People for your latest production? कहानी तो छोटी सी है। शुरुआत तो अलकाजी साहब की सनी लॉनी सार ने की थी। एक बार वो इंटरनेशनल फेस्टिवल करते थे इप्सन का, तो तब उन्होंने हमें इनवाइट किया था और उस समय वुमेन डायरेक्टर की आवश्यकता थी। और उससे पहले मैंने प्ले दरअसल डायरेक्ट नहीं किया था, लिखे थे, जैसा कि आप खुद ही जानते हैं कि लिखने पढ़ने में मेरी रुचि है। तो उनका कहना था इप्सन इन ट्रेडिशन और कहा था प्लेस पढ़िए, जो भी प्ले आपको पसंद आया आप डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट करने से तो मुझे बहुत हिचक थी मन में, और वही केके जी में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा नहीं वुमेन डायरेक्टर ही चाहिए। सो आई लुक्ड एट हिम, मैंने ही सेड कि तुम छलांग मारो। केके रैना जी ने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और प्ले चूज करिए, एडप्ट करिए और उस प्रोसेस में आप समझ जाएंगे। वो जो प्ले पढ़ना शुरू किया ना दीपा, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान को इप्सन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जहां इप्सन ने 150 साल पहले जो बात कही और जहाँ अपनी बात को छोड़ा था, वहां हिंदुस्तान आज भी है। चाहे वो औरत की आवाज हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे इनफिडेलिटी परिवार में हो, औरत की मानसिकता की बात हो, औरत के अधिकारों की बात हो, आवाज की बात हो, वो सब बातें जो मैं कहीं ना कहीं कहना चाहती थी। पर मैं लिखती हूँ पर मेरा विजन उतना नहीं है जितना अनुभव एंडी गिब्सन को था। तो इप्सन मेरी विचारधाराओं से बहुत मेल खाते थे और मुझे आगे बढ़ने में, मेरे दिमाग को और खोलने में और भारत की नारी तक पहुंचने में उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। जब पढ़ने लगी तो पहले लेडी फ्रॉम द सी मैंने पढ़ा और भी प्लेस पढ़े, फिर के राणा जी और हम साथ जुड़े। ही रीड्स वेरी फास्ट, आई राइट वेरी फास्ट, और वो जो कॉम्बिनेशन था वो हमारा शुरू हुआ और हमें मजा आने लगा। मजा ये आने लगा कि उसको लिखते समय, लिखने से और करने तक का जो प्रोसेस है उसने हमें बहुत एनरिच किया, बहुत हमें हमारे व्यक्तित्व को बहुत निखारा, एक परिपक्वता जिसको कहते हैं मैच्योरिटी। नहीं तो आप एक ही तरीके से सोचते हैं और अपने आप नाटक लिखते हैं तो छोटी छोटी चीजें ही होती, पर इस समाज में बहुत बड़ी चीज है और उस बड़ी चीजों को ऐसा ढकमुंद के रखा गया है परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से, अपनी मर्यादा के अनुसार, कि हर बार मुझे लगा कि नया नाटक हम कर सकते हैं। और वहीं से केके राणा जी और हमने नाटक को फिर शुरुआत की। तो आगे अजात शत्रु तक हम कैसे पहुंचे, आई थिंक केके जी रोशनी डाल सकते हैं। तो काफी मैंने तो ड्रामा स्कूल में थोड़ा पढ़ा था, तो पढ़ा था और छोड़ दिया था क्योंकि जरूरी है, मॉडर्न नेचर के मतलब दादा माने जाते हैं इप्सन, तो हमको क्लास में पढ़ाना है, ड्राउन जॉस पढ़ा वो छोड़ दिया। लेकिन जब ड्रामा स्कूल से बाहर आके जब खुद हम नाटक करने लगे तो और निसार अलाने हम अलाने ने हमको इन्वाइट किया तो दोबारा सारे प्लेस पढ़ी, तो आई रियलाइज कि यू हैव मिस्ड द बस। क्योंकि हिंदुस्तान में जिन समस्याओं को लेकर आज हम बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वुमेन्स वॉइस, स्टेटस ऑफ वुमेन इन मेन डोमिनेटेड सोसाइटी, इन सारी चीजों पर 150 साल पहले साहब लिख गए हैं और हमको पता ही है। तो चूंकि इन्होंने सिलेक्ट किया, डायरेक्ट इनको कर रहा था, इन्होंने सिलेक्ट किया है लेडी फ्रॉम द सी, जिसको हमने मरीचिका के नाम से किया है। उसके बाद
लगातार बिकॉज नॉर्वेजियन एम्बेसी नॉर्वेजियन कॉन्सुलेट जो था उन्होंने हमारा काम देखा तो उन्होंने कहा कि आप वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद इट। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि थिएटर में कभी पैसा होता नहीं और थोड़ा सा सपोर्ट हमको मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम काम करते रहे। तो पहले जो अगर आप देखेंगे मरीज का हो या ये पीछाकृति परछाइयां हो या हरदीप कौर गिल हो, वो प्रीडोमिनेटली वो है प्लेस अबाउट वुमन इन वेरियस सिचुएशंस। उसकी मॉडर्न वुमन की बात कहिए हरदीप कौर गिल में, या मरीचिका की बात कीजिए जहाँ की वो पास्ट और प्रेजेंट के कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है, या गोस्ट का ये पीछा करती परछाया कि जो पीछे जो हमारे ट्रेडिशंस वैल्यूज डिकेडेंट वैल्यूज जो हमको पीछे पीछे हमारे हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं वो अपना साथ नहीं छोड़ते हैं, तो वो सारा मतलब विमन सेंट्रिक था सब। अब आप सवाल उठता है अजात शत्रु का, अजात शत्रु जो एनिमी ऑफ द पीपल जहाँ की वो इप्सन जो है वो पोलिटिकल करप्शन की बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि भाई जो सच बोलता है वो हमेशा एक माइनॉरिटी में रहता है, ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माइनॉरिटी, और मेजॉरिटी ये जरूरी नहीं कि हर वक्त मतलब सही हो। जब हमने ये प्ले देखा तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर एक एस्पेक्ट जो इप्सन के प्ले का है तो हम उसको टच करते हैं, क्योंकि ये मैंने जब दो बार हम नॉर्वे गए तो हमने इप्सन थिएटर फेस्टिवल में काफी प्लेस देखे, तो हमने देखा कि लोग जो बात वो कहना चाहते हैं उसी को छूते हैं। तो हमने भी यहाँ पे मुझे इस वक्त हमको लगा यार ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि पिछले दो साल से अगर आप देखेंगे दीपा कि जब भी न्यूज आती है बरसात होती है तो हम तो गांव मतलब उठते हुए देखते हैं न्यूज में, मतलब अचानक फलानी जगह बाढ़ आ गई तो पूरा गांव को ले गई, तो ये क्यों हो रहा है? सवाल ये कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम खुद अपने एनवायरमेंट को बिगाड़ रहे हैं। मतलब प्रोग्रेस के नाम पे हम जिस तरह से पेड़ काटते हैं पहाड़ काटते हैं, इवन सड़कें जो बनाते हैं विदाउट थिंकिंग, जो कुछ भी हम करते हैं मुझे लगता है उसका मतलब वो ध्यान नहीं देते, उसकी मतलब लॉन्गेविटी प्लस उसका क्या असर उसको कैसे सेव करेंगे उसका कोई ध्यान नहीं है। तो मैं न्यूज पर देख के बहुत दुखी होता था, खासकर जैसे समंदर में आप देख लीजिए कितना लोग, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि नॉर्वे वाले ये जो नॉर्वेजियन कॉन्सुलेट है वो लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारे समंदरों को साफ करने के लिए काम करते हैं, उसको फंड हर जगह कहीं भी हर जगह जाते हैं, और हमने कई बार उनको कहा कि हम हमको भी ले चले साथ। तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, वाटर की कमी जो हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, एक्चुअली वाटर की कमी हो रही है, कहते हैं कि भाई इतने कुछ सालों के बाद तो पानी नहीं मिलेगा, तो बॉम्बे में तो हम देखते हैं अगर बारिश नहीं होती तो बस पानी बंद हो जाता है। तो मुझे लगा कि चूंकि वो उस ओरिजिनल प्ले में बात्स की बात कर रहा है, हमने यहाँ कमल कुंड बनाया उनको, तो हमने सोचा कि ऐसा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है एनिमी ऑफ द पीपल। मतलब मैंने व्हाट आई हैव डन एंड आई हैव डन इट पर्पसली, मैंने पॉलिटिकल इक्वेशन को थोड़ा अंडर प्ले किया है, बोला तो है लेकिन अंडर प्ले किया बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड वाज एक्चुअली द पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो उसको मतलब फ्रंट पर रख के हमने अपनी बात कहने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं सिस्टम तो आता ही, देखिए क्या होता है कि इप्सन ने पहले ही बताया कि दो भाइयों की कहानी और दोनों जो है नगर पालिका से जुड़े हुए हैं, एक महापौर है दूसरा म्यूनिसिपल डॉक्टर पानी का डॉक्टर, और मेरे पास सच्चा उदाहरण मौजूद था क्योंकि राजस्थान से आपका भी वास्ता और हमारा भी है। तो एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई थी पुष्कर में आ गई थी जहाँ पे कि जिस जगह से वो पानी आ रहा था मतलब ये बिल्कुल संयोग, तो मैंने इस पर पूरा रिसर्च भी किया कि जहां से पानी आ रहा था वहां पे पाइप टूट गए थे और फिर उसमें जंग लग गए थे और उसमें जो कीड़े मारने की जो दवाइयां थी इतनी डाली गई कि जितनी भी मछलियां थी पुष्कर की वो सब मर गई, और उसके बाद वही पानी से सब कुछ रिचुअल्स होते रहे। अभी की ताजा खबर लीजिए कि मैं अभी ये नाटक जयपुर लेके गई भी नहीं, हमारे यहाँ एक है रामगढ़ का बंदा, और हमारे जमाने में जयपुर में पूरे जयपुर में बंदे से रामगढ़ के बंदे से यानी डैम को शायद वो बंदा कहते होंगे बाल को बंदा हो गया, तो रामगढ़ का बंदा पिकनिक के लिए हम बचपन में जाते थे, वहां पे बहुत बड़ा एक मुहिम छिड़ा है कि वहां का जो पानी सप्लाई होता है वो पानी उसके पाइपों में जंग लगा हुआ है, उसके पाइप जहां से पानी जा रहा है वो पानी बहुत गंदा है, वो विषाक्त है। तो ये चीजें जब तक हम आग खोलेंगे और आवाज उठाएंगे नहीं, तो इप्सन ने खुद ही ने वो कहा कि सिस्टम से जुड़ा हुआ आदमी है उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि
तंत्र अपने हिसाब से चलता है, उसकी एक स्पीड होती है। और दूसरा भाई जो है वो जल्दी में वो टूरिज्म को पीछे रखना चाहता है, वो चाहता है कि भैया इससे पहले कि इस बात को ये रोका जाए, लोग ना मर जाए, तो एक सैद्धांतिक लड़ाई है। और नाटक की विशेषता यही होती है कि जब आप नाटक लिख रहे होते हैं तो उसमें जब तक कोई लेयर्स नहीं होंगे, कुछ ऐसी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ और नहीं कह पाऊँ, तो सर आपको एक कैनवास देता है कहने के लिए। तो हमको लगा, सॉरी मैं लगा कि ये आजकल की सिचुएशन में फिट इस प्ले का होना, जिस जो हम मैं अपने एडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ, उपसंग की एनिमी ऑफ द पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं नाटक करता हूँ और एक बार मेरे हाथ में एलर्जी का एडेप्टेशन आता है तो मेरा ध्यान एडेप्टेशन पर होता है, दैट्स माय स्क्रिप्ट, दैट्स माय बेसिस। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हमने जो हम मुझे मुझको एडेप्टेशन मिला वो आजकल की स्थिति के लिए, आजकल की हमारी जो सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले अवेयरनेस जरूरी है, उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम मुझे लगता है कि जो अब तक जो रिएक्शन आए हैं, हमने क्या किया था, जो पृथ्वी में प्ले किया था, तो आजकल जो हम सब थिएटर ग्रुप करते हैं रिएक्शन बाइट्स देते हैं कि भाई आपको क्या लगता है। तो जितने भी मुझे बाइट्स मिले हैं दैट आई थिंक एवरीबॉडी लव द प्ले, और सबने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना और बहुत अच्छी तरह से किया है। तो आई थिंक दूसरा क्या ना कि इरादा सिर्फ उंगली उठाने का सिस्टम की तरफ ही नहीं, इरादा है कि अपने में भी झांके। हम कहते बहुत जल्दी बहुत कुछ है पर खुद कुछ नहीं करते हैं, तो लोगों को तब समझ में आया कि अरे हम खुद ही जाकर के विसर्जन करते हैं, तो मालाएं फेंक के आते हैं, हम खुद ही प्लास्टिक फेंक देते हैं, हम खुद ही प्लास्टिक बिजनेस मतलब सारी कम्युनिटी को अफसर ने खुद ने भी छुआ है। और वही चीज हमारे यहाँ हो रहा है कि हर चीज कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ी है और व्यापार राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक चीज खोलते हैं तो 10 चीजें खुलती हैं, पर वो हमारे हित में, इसलिए डायलॉग और इम्पोर्टेंट है कि ये प्ले महत्वपूर्ण है आज के टाइम पे। मैंने जब आपको शुरू में कहा कि मैंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को थोड़ा अंडर प्ले किया, रीजन बीइंग बिकॉज आई डिड नॉट वांट, बिकॉज जिस तरह का माहौल आजकल है और अगर उसको सरफेस पर रखते तो लोग सब कहते कह रहे थे यार बहुत अच्छा है, फलानी बीजेपी के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके सरकार करेंगे इस बात, दैट वाज नॉट द पर्पस। प्ले मेरा वो नहीं था, बिकॉज मैं पॉलिटिकल प्ले करना नहीं था, मेरा पर्पस था एनवायरमेंट, मेरा पर्पस था वाटर पोल्यूशन। तो इसलिए मैंने हम उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया, बिकॉज मैंने कहा कि यार हमारी बात जो हम जो कहना चाहते हैं, मैं पॉलिटिक्स की बात करना ही नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम सोशल बींग, आई वॉन्ट टू connect with people vis-a-vis their difficulties, what they are facing every day. You know, politics hoti rahegi, ek party aayegi, dusri aayegi, tisri aayegi, chauthi, ye to chalta rahega hamare zindagi mein. Soch, you know, but badalni zaruri. Kahin ye nahi, kahin ye log ye na samjhe ki matlab main aajkal ki matlab jo political establishment hai uska against bolna chahta hu aur meri asli baat jo main kehna chahta hu nikal jaye, kyunki aadmi us audience mein, maine audience ki mentality hoti hai is cheez ko fatak se pakadti hai, acha dekho ye aisa kiya, ye falani uske bare mein, to humne usko aisa nahi ki humne choda hai, usko humne rakha hai, sare tantr ki baat ki hai, tantr mein kaise kaam hota hai, kis tarah se baat karta hai, wo system hai, uska system kaise matlab apne fayde ke liye, सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए वो सारी चीजें इग्नोर करते हैं, जहाँ की वो डायलॉग है वो बोलता है कि मतलब मुझे अभी मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, और जो कि रियल लाइफ में ऐसी पॉलिटिक्स में होता है, कहता है कि यार अगर ऐसा हुआ, ये फेस्टिवल होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ कि 300-400 लोग मर भी गए तो हम संभाल लेंगे, अगर लुक हाउ एक सो कैलस फीलिंग, मतलब ऐसा नहीं कि हमने वो कहा नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ऐसा डाइल्यूट करके बोलना चाहता था, बात भी कहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मेन बात जो है, क्योंकि देखिए मैं अभी जहां मैं रहता हूँ तो हमारे यहाँ पे जो पानी आता था जो हम पीते हैं, पता चला कि उसमें ड्रेनेज का पानी है और मतलब बीमार हो जाते हैं, और सिर्फ हमारी बॉम्बे की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया इस तरह की बातें हो रही है, तो मुझे लगा वो बात ज्यादा कहनी जरूरी है। सबसे बड़ी बात है दीपक कि मैंने इस प्ले की जो शुरुआत की माइथोलॉजी से की, एक्चुअली मैं वो पूछना चाह रही थी आपसे कि आपने जो बहुत खूबसूरत से वो ब्रह्मकुंड का कमल ब्रह्मकुंड बनाया, उससे एक लेयर इस प्ले का ये आ गया अंधविश्वास के बारे में जी, और ये हमारे देश की अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड वो तो मॉडर्न प्रॉब्लम है, वो भी कह रहा हूँ अंधविश्वास, मेरे कहने का मतलब बात है, तो मैंने हमने कह दी, हमने वो बात कह दी कि भैया तुम
अंधविश्वास पे, उस पर लेके तुम अपने आप को, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर रहे हो। जो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन की खूबसूरती यही थी, जब हम बैठे करने के लिए कि मैं करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब ओमपुरी साहब ने प्ले यहाँ पे किया था, बहुत मतलब जब वो नए नए आए थे, मैं उस वक्त प्राउड में था, वो पत्थर फेंकने वाले अभी थे, मैं पंकज तो इन्होंने जो नहीं इन्होंने जो अडेप्टेशन जो किया कि इन्होंने इस बात को कहां से ब्रह्म कुल से ब्रह्मा जी के मतलब यज्ञ से लाके आज तक सामने खड़ा कर। और हम लोग पंचतंत्र में बिलीव करते हैं, तो वो पंचतंत्र कितने आवश्यक हैं, वायु अग्नि पर्वत जल समुद्र, उसकी पॉल्यूशन उसको हम पॉल्यूट कर रहे हैं, उस बात को रखना और उसको अंधविश्वास से जोड़ना कि ये ऐसा है, ये हो जाएगा तो इसकी भावना को चोट पहुंचेगा, ये हो जाएगा तो हमारा ये, इतने सारे सेट्स उठ के चले आएंगे, तो वो गलत है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है ह्यूमन बींग, सबसे बड़ा धर्म है ये जो हमारी प्रकृति, और उस प्रकृति को जिसके रचयिता, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं या मैं जिस धर्म से हूं, तो सारी दुनिया ये मानती है कि रचयिता है कहीं ना कहीं एक प्रकृति, किसी ने तो इसको रचा है, किसी ने पेड़ दिए, किसी ने पहाड़ दिए, कुदरत, कुदरत का जो करिश्मा है, तो उसको अगर हम ठेस पहुंचाएंगे इन द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब फेथ को आगे ले आना, अंधविश्वास जो आप कह रही हैं उसको और भीड़ को आगे एड्रेस किया। और ये कितनी आयरोनिकल बात है कि हम बहुत बड़ी बात अपने देश की करते हैं, तो जो हमने प्ले में कह दिया कि यार पंचतत्व का जिक्र इसीलिए आया कि ये वो देश है जहां पर पेड़ पौधे पहाड़ जन्मों को पूजा जाता है, तो ऐसी जगह पे हम कैसे ही कैसे, हम अगर अगर ये हमारे भगवान है तो हम उनके उनके प्रति हमारी वो जो क्या कहते हैं उसमें सच्चाई एक विनम्र नमन जो होना चाहिए, तो सेव वाटर, वो गंगा को आप इतनी गंगा बात है, गंगा को तो साफ तो रखो, स्वच्छ तो रखो, किस तरह हर जगह हमारी जो नदियां सूख रही है, चारों तरफ नदियां सूख रही है, और सबसे बड़ी बात ये सब अंधविश्वास पे हो रहा है। जैसे अगर आप सिंह में वो जो हमने वो सीक्वेंस बहुत छोटा हमने किया, बिकॉज एक तो लोग नहीं मिलते आपको, क्राउड चिंता से करेंगे क्या करेंगे, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो सोसाइटी के है, जैसे ऊपर वो आता है शुक्ला आपके बोलता है, मिश्रा सब अपने सब अपने हित की बात कर रहा है और अंधविश्वास की बात कर रहा है, करेंगे कम्युनिटी को बरगला रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई धर्म का भी कोई चिंता है, धर्म की भी चिंता नहीं है, चिंता उनको अपने पैसे की है, अपने काम की, उनको विघिन करने की कोशिश की कि भाई ये सब बातें लोगों तक पहुंचे। और आपने कमाल की बात कही दीपा की, जब ऑडियंस से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि आपने ये जो बात कही ना अंधविश्वास की, नहीं इस चक्कर में हम सब हमारे जाके, मैंने कहा सर यही आइडिया तो यही था, मेरी हैप्पी का यू गॉट इट, आप तक ये बात पहुंच गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक स्टेप अहेड था, मतलब औरत से हट के कुछ टोटल सोसाइटी की प्रॉब्लम को सामने लाना, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले था। एनी एंड द जो जिस वजह से इन बिटवीन वी आल्सो डिड इफ यू रिमेंबर पियर गिंट, वही इस आने वाले थे कि इतना मुश्किल प्ले वो आपने अडैप्ट किया कश्मीर के उस समय लगा कि भी हमारी पहले बहस हुई, बिकॉज़ इसी आई टेल यू, क्योंकि मैं कश्मीर से मतलब विस्थापित हूँ, हमारे मकान जलाए गए, घर जलाए गए, हमको भागना पड़ा। जब इन्होंने मुझे कहा कि मैं तो उसको कश्मीर डालूंगी, आई वाज वेरी एंग्री, सर व्हाई कश्मीर है, हर बार कश्मीर क्यों है, उसने कहा तो रुको मैं बताऊं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसके बाद जब उसने पेयर को कैसे उसने टेररिस्ट बनाया, यंग सिंपल आइडियलिस्ट, मतलब आदमी थोड़ा कामचोर बेकार काम करना नहीं चाहता, लेकिन उसको ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि वो पोएट्री बहुत अच्छी बोल सकता है, सर अपनी बातों से लोग वाक पटुता उसमें है, और कैसे उसने, क्योंकि वो एम्बिशियस है, वो एम्बिशन है उसी पेयरगिन की प्रॉब्लम है, इज एम्बिशियस बट ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग, वो करता कुछ नहीं, और जब ऐसी मोमेंट पे आता है देन ही वुड गेट्स टू बैड बिजनेस, दैट्स व्हाट हैपेंस इन पेयरगिन आल्सो। वो यहां पे उन्होंने जो टैलेंट मैंने कहा यार तो कमाल है, दिस इज मास्टर स्ट्रोक, दैट वाज रियली वंडरफुल, आई सेड नहीं मान गए अब, मैं हमेशा मानता हूं कि इस वक्त हमारे सामने, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एडेप्टेशंस पढ़ता हूं, बिकॉज जैसे उन्होंने कहा आई फाउंड अ ब्रीदिंग आई वांट टू डू, बट एक चीज एडेप्टेशन में अभी तक लोगों को समझ नहीं आती, काफी लोगों को समझ नहीं आ रही, अडेप्ट करना और ट्रांसलेट करने में बहुत फर्क है। तो अगर आप अडेप्ट करते हैं तो अडेप्टेशन में आप पेयरगिन की आपने बात की, इस प्ले की आपने बात की, पिछाकृति परछाई की बात कीजिए, मतलब यहाँ जब हमने जमीलाबाई कलाली किया
एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जिमला वाइफ पलानी, मैंने ऐसे ही मैं वासुदा के साथ शूटिंग कर रहा था कलकत्ता में, मैं और रंजन पे थे। तो मैंने रास्ते में किताबें बिकती है ना, मैं वहां से एक किताब उठा ली, तो मैंने पीछे जो किताब पीछे पढ़ते हैं हमेशा लोग, मैंने पढ़ा, मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। तो हम आ गए घर, तो हमने मैंने प्ले पढ़ा रात को, तो मैंने रजू को रजत को मैंने कहा करेगा प्ले, मैंने प्ले चुना करेगा। तो फिर मैंने इनको एडेप्टेशन दे दिया, इन्होंने एडेप्ट करके जब जिंगला भाई कलाली बन गया, राजस्थान डाल दिया। तो मारियो वर्गेस लोसा जो राइटर है उसके, उनके एक फ्रेंड थे, हमारा प्ले चल रहा था पृथ्वी में, तो हाउसफुल था, तो लेडी है इंडियन सेटल दे, तो शी वॉज क्राइंग फॉर वन टिकट, आई वॉन्ट टू नो वन टिकट। तो मैं ऐसे बाहर से घूम रहा था, मैंने कहा मैंने क्या बात, एक टिकट चाहिए, सेम यूनिवर्सिटी वेयर ही टीचेस, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसका प्ले देखे। तो मैंने कहा भाई आई डोंट अंडरस्टैंड, आई तो पहले मैंने कंप्लेन किया, मैंने कहा मैंने उनको इतनी चिट्ठियां लिखी बिकॉज यू डोंट वांट टू डू अ प्ले विदाउट परमिशन, तो मैंने इतनी चिट्ठियां उसको लिखी, कोई जवाब ही नहीं आया। जब आया नहीं तो फिर हमने कर ही लिया, और तब इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं थी कि पहले दिखाओ लेटर। तो मैंने कहा अच्छा आप आए, उसने कहा यार इज अ वेरी बहुत संकीस आदमी है वो, तो मैं गौर किया होगा लेकिन मैं ही देखना चाहती हूँ। तो मैंने किसी तरह से उसको बिठा लिया, बिठाने के बाद उसने एज उसने बहुत ब्रिलियंट है, उसने कहा आपको आप डोंट गेट इनटू द हैसल ऑफ आस्किंग परमिशन बिकॉज ये प्ले तो लगता ही ये लोसर बैठेगा, इट लुक्स सो रूटेड इन इंडिया। सो मेरे कहने का मतलब एडेप्टेशन को जब तक आप उस अपने मेनू में अच्छी तरह से नहीं डालेंगे तो वो एडेप्टेशन पर होता नहीं है। जैसे कि जैसे भाई अभी कौन इमेजिन कर सकता है कि मतलब ये जो लॉन्डन कॉन्सुलेट के लोग आए, उन्होंने प्ले देखा, उसने कहा नोबडी वुड इमेजिन दैट यू कनेक्टेड विद कमल ब्रह्मकुंड, क्रिएट अ स्टोरी, दिस इज अनबिलीवेबल। सो मैं सोचता हूँ कि कोई भी एडेप्टेशन बहुत डिफिकल्ट काम, और इस मामले में टचवुड ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे अच्छा काम करेंगे। सो फार वी ट्राइड आवर बेस्ट टू बी एज ऑनेस्ट एज क्लोज टू व्हाट इब्सन ट्राइड टू से दैट टाइम। समय के साथ परिस्थिति बदलती है, वातावरण बदलता है, सोसाइटी की सोच बदलती है, उन शब्दों के मायनों को भी कुछ और मायने देने की आवश्यकता आती है। और ये बात दो बार नॉर्वे जाकर के मुझे समझ में आया। एक बार मैं गई थी तो उन्होंने फेस्टिवल के बाद मैं शॉक रह गई, क्योंकि मैं इप्सन को अब तक हमारी पुरानी आदत है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु मान लिया, तो फिर मान ही लिया अलकाजी साहब को मान लिया, तो मैं इप्सन को यहाँ पे तो खुदा मान लिया। जो आप बात कहना चाहती है उस बात में तो हल्ला हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई बात को आप करेंगे वो आप आगे बता रहे कि जब मैं वहां गई तो मैंने देखा इप्सन का मुंह ऐसे करके टेढ़ा था, आप उनको जो उन्होंने किया है उसको भूल जाए, उसको डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ दैट एंड दोज वर फैंटास्टिक। हम नहीं कर सकते यहाँ कमाल की बात, यहाँ कर नहीं सकते, मूल कृति से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और वो तो मतलब एथिकली रॉन्ग हो जाएगा कि आप नहीं करा, पर वो लोग ऐसा कुछ डिस्टॉर्ब करने के बावजूद उसमें से कुछ ऐसा लाते हैं कि उसमें इप्सन का आशीर्वाद या न्यू थिंकिंग जुड़ी होती है। वो इसलिए करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि समय के साथ समय बदल गया उसकी लोगों की क्या होगी, उसकी जरूरत क्या है, आजकल के संदर्भ में वो कैसे देखते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं आपको बदलना पड़ेगा, जैसे हमने बदला है, जैसे तो बदलना ही पड़ेगा। या बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी वही हैं जहां उन्होंने छोड़ा था। हमारी मानसिक विकास को अभी भी बहुत बहुत आवश्यकता है अपना दृष्टिकोण व्यापक करने की। या हम हर बात पे उंगली उठाते हैं, ये बात जैसे केके जी ने कहा, अगर इस तरीके का मैंने कोई क्वेश्चन आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी से या भारती जी से कर दिया होता तो हजार और लोग खड़े हो जाते, पर दे गिव यू लिबर्टी कि हाउ यू कैन थिंक, उन्हीं के कदम पे चल के आप अलग कैसे सोच सकते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मैं उसको कैसे जोड़ सकते हैं। 150 साल 150 साल पुराने नाटककार है,
जो मतलब आज भी हम उसको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ेंगे तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। लोग शेक्सपियर को भी कर ही रहे कितना कितना देखिए ना, क्या 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 शेक्सपियर के साथ करते हैं। मैंने एक्टिंग में देखा था ड्रंकन शेक्सपियर ड्रंकन, मैंने कहा उनके साथ में थी, मैं कही ये क्या, तो उन्होंने उसको दूसरी विधि दी, इट्स वेरी पॉपुलर थिंग कि अगर शेक्सपियर ड्रंक होता तो फिर वो क्या लिखता, या वो जो लिख गया तो क्या वो पिएगा था, तो दे क्वेश्चन इट एंड दैट्स हाउ दे एंजॉय दिस, दे एंजॉय बिकॉज़ दे लाइक, बिकॉज़ ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है अभी हुआ है, सी दे वी आल्सो लाइक टू लाफ एट आवरसेल्व्स, वी लाइक टू क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स, बट समहाउ अनफॉर्चूनेटली माय प्रोसेस इज दीपा दैट आई फर्मली बिलीव कि जिसने जो काम किया है उस काम को मैं पढ़ू 10 बार और मैं उसको डिस्टॉर्ट ना करूं, उससे वो लोग जिसकी मुझे या मेरी सोसाइटी को आवश्यकता है, तो वो काफी लोग कहते हैं ये मतलब बहुत शाब्दिक है, वर्बल से बहुत ज्यादा शब्द है, अगर लेखक शब्द नहीं होंगे उसके पास, सिर्फ विचार होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल है, और अगर उसने शब्द लिखे हैं तो मैं उन शब्दों को जीना चाहती हूँ, तो आई एम क्वाइट फॉलोइंग हिम पर विद इन आर सोसाइटी। दूसरा इब्सन तो इसी इब्सन 5 एक्ट की नाटक होता है, 4 एक्ट 5 किसी कम के नाटक दिखाई नहीं है, और क्योंकि जिस समय जिस दे ड्रेस देमसेल्फ ऑडियंस, दीपा ऑडियंस ऐसे ड्रैग है वो टाई और वो ये ऐसे, मैंने महिला जी को कहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वहां पर जो लड़की थी उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ा दिस इज इवेंट फॉर देम टू वॉच अ प्ले, यू नो, फिर वहां माहौल दूसरा होता है कि पहले ड्रिंक लेगी, एक ड्रिंक लेते हैं पहले, फिर एक एक्ट हो गया, सेकंड एक्ट हो गया, ब्रेक ब्रेक हो गया, दोबारा गए बाहर, तीसरा, बिकॉज उस वक्त मुझे लगता है कि उस जमाने में लोगों का पेशेंस था, आजकल तो जो है मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब लिमिट ही नहीं, खत्म हो गया है, यू नो, और हम सुन नहीं सकते, सुनो मतलब बिकॉज ऑफ दिस लोड पीपल डोंट अंडरस्टैंड, ये जो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि आपकी हेयरिंग भी कमजोर हो गई, आप डायलॉग नहीं सुन सकते, मजबूर हमको एनसीपी एक्सपेरिमेंट में माइक लगानी पड़ती है, क्योंकि जब गोविंद अरानी जी और ये सब लोग वहां बैठे थे प्ले देख रहे थे, हम फ्रंट रो में बिकॉज हमारे गुरु हैं उनको बिठा देते हम, और मैं चूंकि अपने जो हमारे साउंड इंजीनियर है संजय दास, उसको मैं कहता हूँ कि यार देखो लेवल बढ़ाना, लेकिन ये लेवल लगना चाहिए, ये रेडियो लेवल नहीं लगना चाहिए, हम थोड़ा सा इसको एनहांस करने की कोशिश करते हैं, रेडियो में नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता ये हम कर रहे हैं, लेकिन क्या करें मजबूर में। तो नाटक करने के बाद बहुत तारीफ की, शब्द लीला की बात हुई थी, बहुत तारीफ की, वो ये कहा लेकिन मैंने तुमको एक बात बता रहा हूँ सुनो आज मेरी बात, मैंने कहा क्या, तुम ना माइक इस्तेमाल, नई चीज आई तो हैरान हो गया, तुम्हारी अथॉरिटी लगा चुका था, क्योंकि मुझे लगा कि जो हमारी ऑडियंस है कहीं ना कहीं वो तो सुनना नहीं चाहते, और इतनी दुख की बात होती है वो कैसे सुनेंगे वो, तो वो एक हाथ में फोन होता है, दीपा एक हाथ में फोन होता है, एक हाथ में प्ले देखते हैं, एक नजर इधर होती है, एक नजर उधर होती है, ये है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दिस इज द वे इट इज। सो हमने ये कहा कि हम 2 एक्ट से ज्यादा करते नहीं, 1st एक्ट 2nd एक्ट जितना उसको कम करने की कोशिश करते हैं कि भाई जितना बात हमारी बनी रहे, लोगों को कहता हूं मैं 2 घंटा 10 मिनट है विद इंटरवल है, 2 घंटा 15 विद इंटरवल 10 मिनट्स का इंटरवल है, लोग ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं यार 2 घंटे तक जीवना पड़ता है, क्योंकि है नहीं लोगों को सुनने की हम आदत ही खत्म हो गई, बट हम करते रहेंगे, हम जूझते रहेंगे, नाटक करना तो यही हमारे पास एक वर्ड हमारे मीडियम है अपनी बात कहने का, तो उसको हम कैसे छोड़ें, इसके अलावा तो हमको कुछ आता नहीं है, तो हम तो करते रहे और ऑडियंस को कोशिश करेंगे कि एक दिन वो समझ ले हमारी बात।